इसके अलावा की भाई जो एंडिंग है ना आपको एकदम सरप्राइज कर देगी, सीजन टू के लिए अंदर से एकदम तड़प मचा देगी। मतलब जो चीज आप पूरे केडामा को देखते वक्त चाहते होगे वो एकदम लास्ट में आपको मिलेगा। एंड भाई वो हर एक ऑडियंस के लिए सरप्राइज मोमेंट है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फाइनली मैंने देख लिया भाई ए शॉप फॉर किलर्स नाम का केडामा, जिसको हॉटस्टार पर वीकली बेसिस पर रिलीज किया गया था। सीजन वन में टोटल 8 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। कुछ गंदा नहीं है तो चाहो तो फैमिली के साथ देख सकते हो, बट आपको भर भर के ब्रूटैलिटी एंड किलिंग, इनसेन लेवल के किलिंग सीन देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो चीज मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। दो चीज। पहली चीज ये कि भाई ये केडामा सबके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केडामा उन्हीं ऑडियंस को पूरी तरीके से टारगेट करती है जो कि मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना पसंद करते हैं। रोमांस, कॉमेडी, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। भर भर के आपको मिस्ट्री सस्पेंस देखने को मिलेगा एंड उसी को लेकर के आपको ट्विस्ट टर्न्स एंड दुनिया मार के एक्शन सीक्वेंस वगैरह देखने को मिलेंगे। एंड ये भी चीज अपने दिमाग में ध्यान रखना कि ये एक स्लो बर्न डार्क थ्रिलर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की भाई ये केडामा हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इसको देखना है तो हॉटस्टार से आपको ओरिजिनल लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है कि बहुत सारे आपको डायलॉग सुनने को नहीं मिलेंगे, तो चाहो तो धीरे धीरे करके समझ रहो ना। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से पूरी तरीके से डायलॉग ही नहीं है, डायलॉग है बट उतने ज्यादा लेवल पर नहीं कि कन्वर्सेशन हो जा रहा आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई चल क्या रहा। अपने अकॉर्डिंग जाकर के ट्राई करना, क्योंकि अगर मुझे यहीं पर इस केडामा को आपके लिए डिफाइन करना होगा तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, जबरदस्त। यस भाई, अगर आपको मिस्ट्री केडामास देखना पसंद है या फिर अपने टेल ऑफ द नाइन टेल वाले एक्टर के फैन हो तो भाई ये केडामा आपके लिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं इस वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी का आइडिया देता हूं। देखो भाई, इसमें कहानी आपको देखने को मिलेगी जी आन के कैरेक्टर की, जिसका भाई एक अंकल था जी आन, मतलब अपने ली डोंग वूक का कैरेक्टर, जो कि भाई एक काफी खतरनाक काम करता था। वो काम क्या करता था सिर्फ देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा जान करके। लेकिन जब वो मर जाता है तो जो वो काम कर रहा था उससे रिलेटेड जो किलर्स थे वो सारे के सारे उसके, मतलब जी आन जो उसकी भतीजी थी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो जो अपनी एक्ट्रेस जी आन क्या किलर से बच पाएगी एंड एक्चुअली में उसके अंकल का पास्ट क्या है, वो कौन था एंड जो ये लोग आ रहे हैं इनको मारने के लिए वो कौन है, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। ये केडामा भाई पूरी तरीके से अपना गेम मिस्ट्री के नाम पर खेलता है एंड जिस हिसाब से इसकी मिस्ट्री है अगर आप धीरे धीरे करके इसको देखोगे तो उसमें आपको भर भर के सस्पेंस, टेंशन, थ्रिल, एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा एंड कहीं ना कहीं जो मिस्ट्री आपको देखने को मिलती है हर एक एपिसोड बाय एपिसोड आपको इसके साथ बांध के रखती है। सीरीज में एक्शन है एंड काफी ज्यादा ब्रूटल है। जब जब आपको एक्शन सीक्वेंस वगैरह देखने को मिलेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, मतलब जो एक्शन रहेगा वो आपको काफी फ्रेश फील होगा। सीरीज बहुत ज्यादा डार्क है तो दिन के उजाले में मत देखना, नहीं तो स्क्रीन पर आपको कुछ दिखेगा नहीं अंधेरे में बैठ के अकेले रूम में। एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंस वो बहुत ज्यादा सॉलिड है एंड जिस हिसाब से इसकी कहानी की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग इसकी कास्टिंग भी बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। कहानी भी भाई मुझे इस सीरीज की काफी ज्यादा जबरदस्त लगी। जो एक ज्यादा घुसूंगा नहीं कहानी में तो स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन जो एक शॉप को लेकर की चीजें दिखाई गई हैं वो देखने में भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंसफुल थी। मतलब जैसे जैसे एपिसोड बाई एपिसोड चीजें आपको पता चलती जाती हैं आप और भी ज्यादा इस कहानी में डूब जाते हो। टेक्निकल डिपार्टमेंट भी ये सीरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जो ड्रोन वगैरह देखने को मिलेंगे एंड एक ड्रोन देखने को मिलेगा रोबोट टाइप का, डॉग टाइप का, 4 या 5 एपिसोड में उसको भी देख के आपको मजा आएगा। कहां पर ये सीरीज आपको डिसअपॉइंट कर सकता है अगर मैं उसकी बात करूं तो थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट उतना ज्यादा ग्रेट नहीं है, वहां पर थोड़ा सा लैक करती है। दूसरी चीज जो इसकी एंडिंग है मुझे थोड़ा सा रश फील हुई, मतलब सीजन 2 को लेकर के डोर्स ओपन किए गए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज इन सारी चीजों को करके मैंने भाई ये एक मस्ट वॉच केडामा जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना अगर आप सस्पेंस या फिर मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना पसंद करते हो, क्योंकि भाई ये थ्रिलर है, क्योंकि भाई ये एक डार्क थ्रिलर है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा मिस मसाला देखने को मिलेगा जिसको देख करके आपको मजा आ जाएगा। मेरे लिए पर्सनली ये एक वर्थ वॉचिंग एक्सपीरियंस था एंड इसके सीजन 2 अगर आता है, अगर आप जाकर के इसको सपोर्ट करते हो क्या पता आपको इसका सीजन 2 भी देखने को मिले, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको मिस मत करना। एंड बस मैं इन्हीं साइज को जज करता हूं, इस सीरीज को रेट करूंगा 8.3 out of 10 स्टार। तो अगर आपने देख लिया तो आपको सीरीज कैसे लिख करूंगा कितना, मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।